उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बड़ी खबर, जहां पीलीभीत के अमरिया में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जिले के प्रभारी श्रम एवं सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि नए कृषि सुधार कानूनों को किसानों की भलाई के लिए ही लागू किया गया है। वही आने वाले समय में इन कानूनों से किसानों को काफी फायदा मिलेगा, लेकिन विपक्षी दल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच कार्यक्रम में आए किसानों को कानूनों के फायदे बताए गए और प्रभारी मंत्री ने किसानों के लिए कहा कि जो मोदी सरकार कार्य कर रही है उसके बारे में पूरी जानकारी भी दी जा रही है। भाई, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। अमरिया में किसान संवाद सम्मेलन में कृषि कानूनों के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई। भाई, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लगातार सरकार किसानों के हित का कार्य कर रही है, लेकिन अनैतिक रूप से विपक्षी दल किसानों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बने इस कानून से आगे चलकर किसानों को भारी फायदा होगा, लेकिन किसान बरगलाने में आ रहे हैं और सरकार की इस बात को नहीं मान रहे हैं। भाई, अमरिया के इस कार्यक्रम में शहर विधायक संजय सिंह गंगवार, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रसाद सिंह सहित समस्त भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने किसानों के बीच अपने अपने विचार रखे। पीलीभीत से सैफी 24 न्यूज के लिए सदर सैफी की यह खास रिपोर्ट। संदेश तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर देश के समस्त किसानों को दिया है। आज देश के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर इस प्रकार के किसान समागम के रूप में आयोजन हुए हैं, जिसमें हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने किसानों के प्रति लगातार जो उनके हितों में काम किया है, एक एक करके उन सारे बिंदुओं को माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रस्तुत किया और हम सभी लोगों ने भी मंच के माध्यम से उनको अवगत कराया। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार भी किसानों के प्रति समर्पित है, लगातार किसानों के सम्मान में काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश के नौजवानों, मजदूरों, गरीबों, किसानों सभी ने मिलकर बनाया है। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र को मानते हुए हमारी सरकार बारी बारी से सभी के सम्मान में काम कर रही है। किसान लंबे अरसे तक देश की आजादी के इस लंबे अंतराल में अछूता रहा,
मोदी सरकार, योगी सरकार प्राथमिकता के साथ आज किसानों के सम्मान में निरंतर तमाम योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है और इसके लिए हम संकल्पित हैं, करते रहेंगे। मंत्री जी, जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो नीतियां हैं, कानून लाए गए हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना है? देखिए, पूरे देश का किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है और जो माननीय प्रधानमंत्री ने समय समय पर किसानों के हित में निर्णय लिए, देश के समस्त किसानों ने एक स्वर से उसका स्वागत किया। किसी बिंदु पर अगर कहीं भी किसानों को कोई अड़चन है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व लगातार उन किसानों के संपर्क में, किसानों से बात कर रहा है और लगातार वार्ता चल रही है, परिणाम भी सकारात्मक आएंगे।